हेलो दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला अपने खान पान को लेकर ज़्यादा सतर्क रहती है। कई महिलाओं को चावल पसंद है, कई महिलाओं को रोटी पसंद है, पर क्या प्रेग्नेंट महिला को चावल खाने से बचने चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने जा रही हूँ कि आपको क्या करने हैं, चावल खाने चाहिए या नहीं, खाने चाहिए तो कितने और नहीं खाने चाहिए तो कौन सी प्रेग्नेंट महिला को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान चावल खाने के कई फायदे होते हैं, नुकसान भी होता है। नुकसान मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप फायदे जान लीजिए। अगर आप चावल पसंद करते हैं खाना तो आपके लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि चावल खाने से प्रेग्नेंट महिला को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या नहीं होती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ये समस्याएं कई महिलाओं के साथ होती है। तो अगर आप चावल का सेवन करेंगी तो यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से आपको बचाव होगा, और जिन महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन की समस्याएं हो जाती है, गर्भ के लिए ठीक नहीं होता, शिशु जो गर्भ में पल रहा है उसका विकास रुक जाता है, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्याएं हैं तो चावल का सेवन आपको जरूर करने चाहिए। चावल में कैल्शियम आयरन पाया जाता है, जो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आपकी डॉक्टर भी आपको जो मेडिसिन देती हैं उसमें कैल्शियम और आयरन जरूर होता है। अगर प्रेग्नेंट महिला गर्भावस्था के दौरान चावल का सेवन समुचित रूप से करे तो कैल्शियम और आयरन की कमी नहीं होगी। चावल का सेवन करने से पीठ दर्द, कमर दर्द में भी आराम मिलती है, और डिलीवरी के बाद भी हड्डियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ज़्यादा दर्द नहीं होता। चावल शरीर में ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। इसमें मौजूद लो सोडियम शरीर में मौजूद अतिरिक्त सोडियम को नियंत्रित करके उसे उसके प्रभाव से बचाती है। खान पान में बदलाव के चलते प्रेग्नेंट महिला को कब्ज की समस्या हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान मैक्सिमम महिलाओं में ये समस्या होती है। अगर आप चावल का सेवन करती हैं तो कब्ज की समस्या से आपको निजात मिलेगा और पाचन संबंधी समस्याएं भी नहीं आएगी। चावल में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो प्रेग्नेंट महिला की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ इन्फेक्शन से भी बचाव और बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। चावल में मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो शरीर को रिलैक्स करके बेहतर नींद लाने में मदद करता है। अगर आप भी नींद की समस्या से परेशान हैं, रात में नींद नहीं आती है, तो चावल का सेवन करें। आप खुद देखेंगी कि आपको नींद की समस्या नहीं होगी। चावल खाने से प्रेग्नेंट महिला को ऊर्जा से भरपूर रहने में मदद मिलती है, जो उन्हें और गर्भ में पल रहे शिशु के बेहतर विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर महिला पूरे दिन आराम करती है, थकी हुई रहेंगी, तो इसका सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ेगा। इसलिए ऊर्जा से भरपूर रहना बहुत जरूरी होता है, चावल खाना जरूरी है। चावल में मौजूद पोषक तत्व शिशु के बेहतर विकास में मदद करते हैं। इसमें मौजूद स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर न्यूट्रिएंट्स शिशु के मस्तिष्क के बेहतर विकास में मदद करता है, जिससे शिशु की दिमागी क्षमता बढ़ती है और आपका शिशु बुद्धिमान होगा। गर्भावस्था के दौरान चावल का सेवन करने से शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, क्योंकि चावल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर उसे बैलेंस रखता है। हर चीज के फायदे होने के साथ साथ नुकसान भी होते हैं दोस्तों। चावल खाने के कुछ नुकसान हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा चावल का सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि चावल में फैट होता है, इसलिए सीमित मात्रा में खाएं, और पानी अगर पीना है तो थोड़ा रुक कर पीएं। चावल का मात्रा अगर ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है, इसलिए लिमिट में खाएं। चावल में आर्सेनिक होता है, जो प्रीटर्म डिलीवरी का कारण बनता है। चावल का अधिक मात्रा में सेवन करने से प्रीमेच्योर बेबी की संभावनाएं हो सकती है, इसलिए चावल को लिमिट में खाना चाहिए।
प्रेग्नेंट महिला को कच्चे चावल अधपके चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेग्नेंट महिला को पेट में दर्द की समस्या हो सकती है और शिशु को भी परेशानी हो सकती है। कच्चे चावल में कई तरह के केमिकल होते हैं दोस्तों, जो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए ठीक नहीं होता। तो जब भी आप चावल बनाएं, इसके पहले उसे अच्छे से धो लें ताकि इसका कोई असर आपको नहीं हो। जिन महिलाओं को पहले से ही कोई शारीरिक समस्याएं हैं और डॉक्टर मना किए हैं कि चावल नहीं खाने हैं, तो उनको चावल से दूरी बनाना चाहिए। जिनको शुगर की समस्या है उनको चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आगे जाके दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, जिसके फायदे होते हैं उसके नुकसान भी कुछ होते हैं। बैलेंस में खाने से आपको इसके फायदे मिलेंगे। तो आशा करती हूँ चावल का सेवन तो आप करेंगी, पर आप उसको बैलेंस में रखकर, यानी कि ना तो ज़्यादा खाना है ना तो कम खाना है, बैलेंस में खाने हैं। इसके बहुत फायदे होते हैं, आपको इसका फायदे ज़रूर उठाने चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।